एक मई मजदूर दिवस के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा भीषण गर्मी से बचाव के लिए मजदूरों को उनके लिए सबसे उपयोगी सामग्री गमछा एवं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बिस्किट का वितरण किया गया। हर अंतिम व्यक्ति को सुख सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग 5 वर्षों से जन समर्पण सेवा संस्था के युवा सदस्यों द्वारा प्रतिदिन दुर्ग रेलवे स्टेशन में जरूरतमंदों को भोजन, साबुन, निरमा, तेल, साड़ी, धोती एवं अन्य जरूरत की सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। इसी कड़ी में संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि 1 मई को सुबह से पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने आने जाने वाले सभी महिलाओं और पुरुषों को गमछा एवं बिस्किट का पैकेट वितरण किया गया, ताकि प्रतिदिन कार्य करते समय धूप में मजदूरों की सुरक्षा हो सके। साथ ही आज की मजदूरी करते समय उनको बिस्किट खाने से स्वस्थ। गौरतलब है कि अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संस्था और दुर्ग के सामने सिंधी कॉलोनी जीई रोड में मजदूरी करने वाली महिला एवं पुरुषों को गमछा वितरण किया गया, जिसमें 450 से अधिक महिलाएं एवं पुरुषों को गमछा दिया गया। संस्था द्वारा गमछा भी किसान एवं मजदूरों के उपयोग में आने वाला ही वितरित किया गया। इस संबंध में बंटी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दिनांक 1 मई 2022 को पूरा देश आज श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन कर रहा है। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग भी श्रमिक दिवस के आयोजन पर आज मानव सेवा का कार्य कर रही है। इस उपलक्ष्य पर आज प्रातः 10 बजे तहसील ऑफिस के पास, जहां से सारे मजदूर पूरे जिले में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उस स्थान पर सवेरे से आकर जन समर्पण सेवा संस्था के सभी सदस्यों ने सभी मजदूर माताओं, बहनों, भाइयों को आज गर्मी को देखते हुए गमछा का वितरण किया है। उसके साथ साथ सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी को बिस्किट वितरण किया गया। जन समर्पण सेवा संस्था लगातार विगत 5 वर्षों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। इसी कार्य में आज श्रमिक दिवस के अवसर पर भी आज हम लोगों ने मजदूर भाइयों, बहनों, माताओं को गमछा और बिस्कुट का वितरण किया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर जा जाकर रिक्शा वाले, ठेला वाले और दिन भर मजदूरी कार्य करने वालों को जन समर्पण सेवा संस्था के युवा सदस्य जाकर गमछा और बिस्किट का वितरण करेंगे। मैं योगेंद्र शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।